यहाँ पर उद्घाटन करने का क्या मकसद है? इसलिए कि इस इधर एरिया में नहीं था, भंडार है। मकसद था मेरा बहुत दिन से पेट्रोल पंप खोलने का, जो मेरा सपना पूरा हुआ। बहुत खुशी की बात है, फैमिली में एक अच्छा ऐसा मौका आया है कि हम लोग ऐसे बिजनेस कर रहे हैं जिससे पब्लिक को सुविधा मिल रहा है। कहेंगे यही से बड़े को सादर प्रणाम, छोटे को सुधा सर। यही ऐसे मेरा पवन किशोर आनंद किशोर के भाग 12 हो। खुशी की बात है कि जो हम लोग को पेट्रोल और डीजल के लिए यहाँ से 4 किलोमीटर दूर ढाका और 6 किलोमीटर दूर भंडार जाना पड़ता है। अगल बगल के जितने भी लोग हैं उनसे फायदा होगा, जो बाहर बहुत दूर जाते थे डीजल के लिए, जो किसान की आवश्यकता थी। खुशी की बात है कि 4 किलोमीटर के रेंज में जो कि पेट्रोल पंप नहीं था, खुल गया। आज जैसे तो पचबगी ढाका जाना पड़ा था, अब नजदीकी में होगा सब। अच्छा है, जगह पर खुला है, इससे बहुत हर्ष है, हम लोग बहुत खुशी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचटीवी न्यूज़ और मैं हूं समीउल्ला चंपारणी। अभी हम सोरपनिया में हैं और देखिए यहां पर एसएम पेट्रोलियम का उद्घाटन हुआ है, देख सकते हैं इनके ऑनर यहां पर है, बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? शिवजी प्रसाद। शिवजी प्रसाद, बताइए यहां पर पेट्रोलियम का उद्घाटन कर दिए हैं सोरपनिया पचपकड़ी वालों के लिए और दलपत बिशुनपुर पंचायत, साथ ही आपके बढ़हरवा सीवन के लोगों के लिए बिल्कुल आसान हो गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सबके लिए धन्यवाद है मेरी तरफ से। ये पहले पेट्रोलियम है आपका? पहले पेट्रोलियम जी। रूरल एरिया में मतलब यहाँ पर उद्घाटन करने का क्या मकसद है? एरिया में इसलिए कि इस इधर एरिया में नहीं था, भंडार है उधर, बकरी पता ही है, बाकी ढाका पचबकरी के बीच में नहीं था। मेरा सोच वही है जो कि अच्छा चले, सबको सहयोग मिले, यही मेरा सोच है। क्या नाम हुआ? पवन किशोर हुआ, एसएम पेट्रोलियम के प्रोप्राइटर हैं हम। एसएम पेट्रोलियम का फुल फॉर्म क्या हुआ? शिव मेरा पेट्रोलियम। शिव मेरा पेट्रोलियम का उद्घाटन हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? काफी लोग में खुशी का माहौल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो सभी लोग को धन्यवाद करते हैं, टीवी को भी धन्यवाद करते हैं। और मकसद था मेरा बहुत दिन से पेट्रोल पंप खोलने का, जो मेरा सपना पूरा हुआ है। अब लोगों को 4 किलोमीटर 8 किलोमीटर तय नहीं करना पड़ेगा? नहीं, अब आप घर से निकलिए, पेट्रोल भर लीजिए, पेट्रोल भरा लीजिए, ठीक है। अब पहले क्या था, पहले डिस्टेंस ज़्यादा था, अब डिस्टेंस नहीं है। हाँ, यही है। क्या नाम हुआ? आनंद किशोर। आनंद किशोर जी, एसएम पेट्रोलियम का उद्घाटन हो गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत खुशी की बात है, फैमिली में एक अच्छा ऐसा मौका आया है कि हम लोग ऐसे बिजनेस कर रहे हैं जिससे पब्लिक को सुविधा मिल रहा है, ठीक है। और इस एरिया में कोई पेट्रोल पंप नहीं था, था भी, लेकिन एक सर्विस अच्छा चाहिए कि हम लोग खुद ही दूसरे प्लेस पे जाते थे, ठीक है। ढाका में भी है, आपको बहुत सारे पेट्रोलियम है, लेकिन सर्विस के कारण बहुत लोग वो करते हैं कि नहीं, ठीक है। हम वही सोच के एक साथ चले कि हाँ, अगर मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो हम एक अच्छा सर्विस पब्लिक को दे सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मीरा देवी। अच्छा, आपके नाम से ही मतलब पेट्रोलियम खुला है जी। कैसा लग रहा है यहाँ के लोग के बारे में, क्या कुछ कहेंगे? हम कहेंगे यही से बड़े को सादर प्रणाम, छोटे को सुधा सर। यही ऐसे मेरा पवन किशोर आनंद किशोर के भाग 12 हो, यदि अच्छा से परिवार चलाओ, अच्छा से सब तरीके ले में खूब। यह बात हमको कहना है से बहुत दिन से आशा लगा है, पंप बहुत तकलीफ से दुख से खुला है, माकिर आज बहुत खुशी की बात है, धन्यवाद। और सोरपनिया में एसएम पेट्रोलियम का उद्घाटन हुआ है, इस मौके पर ग्राहकों की भी भीड़ यहां पर लगना शुरू हो गया है। क्या नाम हुआ आपका? शशि रंजन कुमार। शशि रंजन जी, कहां से हुए? हम बठिया से हुए। बठिया से हुए, आज यहां उद्घाटन हुआ, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो एचटीवी के माध्यम से हम पूरे बिहार वासियों को 26 जनवरी और बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं, और एचटीवी के तमाम देखने वाले को बहुत बहुत बधाई। और बहुत खुशी की बात है कि जो हम लोग को पेट्रोल और डीजल के लिए यहाँ से 4 किलोमीटर दूर ढाका और 6 किलोमीटर दूर भंडार जाना पड़ता था, ये हमारे गांव में खुल जाने से हम सभी बढ़हरवा सिवन पंचायत वासियों को और दलपत पंचायत वासियों के लिए एक नई सौगात मिली है। इसके लिए हम एसएम पेट्रोलियम वाले को बहुत बहुत बधाई देते हैं और कामना करते हैं कि एसएम पेट्रोलियम सुचारू रूप से चलता रहे और दिन रात तरक्की करे। देख सकते हैं यहाँ पर एसएम पेट्रोलियम का उद्घाटन के मौके पर कई सारे लोगों का यहाँ पर आना जाना शुरू हो गया है, खुशी का उत्सव है, इसलिए कि यहाँ पर आसपास में कोई यहाँ पर पेट्रोलियम नहीं था, अब यहाँ पर घर से निकलते ही लोग गाड़ी में पेट्रोल और डीजल अपना भर लेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम प्रेम सागर हुआ। प्रेम सागर जी, कहाँ से हैं? UMS बढ़हरवा सिवन का हेड मास्टर बोल रहा हूँ। अच्छा,
और बहुत खुशी की बात है कि हमारे मठिया मोहन ग्राम में जो है पेट्रोल पंप का उद्घाटन हुआ है। यहाँ के अगल बगल के जितने भी लोग हैं उनसे फायदा होगा, जो बाहर बहुत दूर जाते थे डीजल के लिए, जो किसान की आवश्यकता थी, अब इससे जो है भरपाई हो जाएगा। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सभी ग्रामवासियों की भी शुभकामना देते हैं, आप सभी पत्रकार बंधु को भी शुभकामना देते हैं। अभी हम एसएम पेट्रोलियम के कंपाउंड में है, एसएम पेट्रोलियम का यहाँ पर उद्घाटन हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पर ग्राहकों की लंबी कतार है, भीड़ है और खुशी का माहौल इसलिए भी है कि यहाँ पर आसपास में यहाँ पर कोई पेट्रोलियम नहीं था। क्या नाम हुआ आपका? जी शमशाद आलम हुआ। शमशाद साहब है, कहाँ से हैं? जी मठिया मोहन से। मठिया मोहन से क्या कुछ कहेंगे, आज उद्घाटन हुआ आपके गाँव के अंदर और समझ लीजिए तो बिल्कुल करीब में उद्घाटन हो गया है। कहने का मतलब है खुशी की बात है कि 4 किलोमीटर के रेंज में जो कि पेट्रोल पंप नहीं था, काफ़ी दिक्कत होता था, तो आज तो बीच में हम लोग का खुल गया है, गांव में ही खुला है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हाँ किसी समय आएंगे तो पेट्रोल हम लोग को उपलब्ध मिल जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि दोस्त का ही पेट्रोल पंप खुला है, तो और भी अच्छा बात है। ये पेट्रोल भाई ले रहे हैं अपाची में, क्या नाम हुआ आपका? सुमित कुमार। सुमित जी कहाँ से हैं? सुरपनिया से। सुरपनिया से है, घर से निकलते ही पेट्रोल पंप पे पहुंच जाइएगा। जी जी यस यस सर। ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है अब? नहीं। क्या कुछ कहेंगे? गांव में खुल गया आज, ऐसे तो पचबगी ढाका जाना पड़ा था, अब नज़दीकी में होगा सब काम फटाफट होगा। देखिए उद्घाटन के मौके पर मलकोनिया पंचायत के पूर्व मुखिया उमेश चौधरी भी आए हैं, शान बढ़ा रहे हैं इस पेट्रोलियम का। क्या कुछ कहेंगे, आज बिल्कुल नज़दीक में आपके और ये इस पंचायत वालों के लिए नज़दीक में पेट्रोलियम खुल गया? बगल में है, बहुत अच्छा है, जगह पर खुला है, इससे बहुत हर्ष है, हम लोग बहुत खुशी हैं। आज 26 जनवरी भी है। किसानों को बाहर जाना पड़ता था पेट्रोल के लिए, दूर जाना पड़ता था, नज़दीक में मिल जाएगा सारे लोगों को? सारे लोगों को नज़दीक में मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा किसान को।